हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। जी हाँ, मैं लेसनर ताज एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना एक और वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ गाइस। आज का इस वीडियो है जुल्म और सितम से सताए हुए लोगों के बारे में। जी हाँ, जुल्म और सितम से सताए हुए लोगों के बारे में, यानी कि स्टूडेंट स्टूडेंट छात्र। जी हाँ, तो आप लोग अभी सोच में पड़ गए होंगे कि भला छात्र स्टूडेंट को भला क्या दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, हर किसी को ये पता है कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन क्या कोई इस देश के बच्चों के बारे में सोचता है जो आज भी इस आज़ादी वाले देश में गुलामों वाली फीलिंग्स लेकर जी रहे हैं? ज़रा सोचिए। चलिए, आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो गाइस, जैसे कि अभी इंडिया डिजिटल हो रहा है, उसके साथ साथ इंडियन पेरेंट्स भी डिजिटल हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर ले लीजिए, पहले के टाइम पर अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो पेरेंट्स कहते थे, अले ले 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 मेरा सुनना, मेरे बाबा, ये लो तुम्हारे पापा, ये देखो तुम्हारी मम्मी, ये देखो तुम्हारी दादी। लेकिन आज के टाइम पर लेसनर, आज के टाइम पर तो हद ही हो जाती है। अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो पापा सबसे पहले यही कहते हैं, बेटा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बेटा आई एम योर फादर, फादर मीन्स पापा, PAPA पापा, शी इज योर मोम, मोम मीन मदर, MOTHER मदर, शी इज योर दादी, दादी मीन्स ग्रैंड मदर। ये चूतिया बा दिमाग में भरना शुरू हो जाता है। बहन चो देखो भाई लोग, ये कैसा कैसा मतलब जुल्म सहना पड़ता है बच्चों को। अरे बहन चो, बच्चा अभी अभी तो दुनिया में आया है, पहले उसे अच्छे से सांस तो ले लेने दो, ये तो फील करने दो कि घर में क्या बनी है, अस्पताल में है तो ये तो फील करने दो कि पास के कैंटीन में क्या बना है। उसके दिमाग पे चूतिया पा भरे जा रहे हो। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यार, बच्चा भी यही सोचता है, यार मैं तो अंदर ही अच्छा था, अकेले में ही रहता, कोई ये चूतिया पा सुनने को तो ना मिलता। अभी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अरे बहन जो बच्चा अच्छे से हंसना भी नहीं सीखता, उसे रुला रुला कर स्कूल में भेज दिया जाता है। हाय हाय, स्कूल भेज दिया जाता है, वो भी रुला रुला कर, बच्चा भी सिंगिंग स्टाइल में रोता है। लेकिन मॉम डैड कहते हैं, बेटा स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे को थोड़ा हंसने तो सीखने दो, वैसे भी उसको बकचोदी वाला लबेरिया होने के बाद वो अपने आप रो लेगा, तब आपको उसे रुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो थोड़ा सा हंसने दो उसे, जो उसे रुला रुला कर स्कूल भेज दे रहे हो आप लोग। स्कूल में जाने के बाद क्या होता है? स्कूल में जाने से बाद एक बड़ा पेट वाला टीचर मिलता है जी, बड़ा पेट वाला टीचर, जिसके सामने बेंच और नाना पाटेकर भी शाहरुख खान लगता है। अभी उन बच्चों में से कुछ बच्चे होते थे मेरी तरह, जो उस टीचर का नाम भी हिटलर मोहन रख देते थे। लेकिन जो बच्चे सीधे साधे होते हैं, उनको तो उस नाना पाटेकर के चेहरे वाले को, मतलब प्यारे मोहन, हिटलर मोहन की चूतिया पा को सहना ही पड़ता है। तो चलो, जैसे तैसे बच्चा शुरुआती जंग से बाहर आता है, वो किसी तरह से अपना वो शुरुआती जो जंग था उसे जीत लेता है, बाहर आता है। बाद में जब बच्चों 5 या 6 साल में साल तक पहुंच जाता है, तब उस पे शुरू होता है बकचोदी वाला प्रेशर। एग्जाम का टाइम आता है, एक तरफ से पेरेंट AK-47 लेकर तैयार, दूसरे तरफ से हिटलर मोहन इलेक्ट्रिक शॉक लेकर तैयार। अभी बच्चा करे तो क्या करे, इतनी छोटी उम्र में कोई गर्लफ्रेंड भी तो नहीं मिलेगी ना जो उसको कहे, बेबी आई एम देयर फॉर यू। अभी जो बच्चे मेरी तरह है, वो सामने डरने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर रूम में जाकर सलीनियों ने की गाना बजाकर सारे गाने पे डांस करते हैं, जो बच्चे मेरी तरह होते हैं। लेकिन जो बच्चे नॉर्मली सीधे साधे होते हैं, उनको तो ये चूतिया पास सहन करना ही पड़ता है। उनको तो वायरस वाली भूख लेकर बक 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 चौधरी फैलना पड़ता है। अभी आता है जंग का टाइम, जब पेरेंट्स अपने सेना को जंग के लिए तैयार करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम के बारे में सुनने के बाद भी मेरे माथे पर भी वो जंग वाली फीलिंग्स आ जाती है कि यार मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर दी, यार बहुत कुछ कर दी। अभी कुछ पेरेंट्स अलग होते हैं जो प्यार से बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, प्यार से मतलब, बेटा स्कूल जाओ, पढ़ो, जाओ पढ़ाई करो, बड़े होकर बड़ा आदमी बनना है, अगर तुम इस बार पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें डोरेमन का गिफ्ट ला कर दूंगा। और कुछ पेरेंट्स होते हैं मेरे पेरेंट्स की तरह,
जो यार जिनकी मुंह से खट्टेपंती की नैया बहती है, जी हाँ, और जिनको पता होता है कि बच्चों की मजबूरी क्या होते है, वो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यार बच्चों को क्या क्या सहना पड़ता है। अभी जो कट्टर पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं, अबे नालायक कल की मार भूल गया, अगर इस बार पास नहीं किया तो कल से सुनीता का घर पे आना बंद। तो अभी बच्चों को भी मजबूरी में यार पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, भले ही दिमाग में कुछ ना भरे लेकिन पढ़ना पड़ता है। और अगर हम जैसे बच्चे पास कर भी ले और अगर पापा पूछते हैं बेटा क्या लोगे, तो बहन जो मन में तो यही आता है कि कह दूँ कि पापा ब्रेजर्स की 2-3 DVD ला दो, सत्यम का मोबाइल ख़राब हो गया है। लेकिन हद हो गई यार, ये भी नहीं कह सकते, 10 रुपये के डेयरी मिल्क से काम चलाना पड़ता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पर बहन जो बच्चों को सुबह सुबह यार रात को सोने भी नहीं देते यार स्कूल में भेजा जाता है, जिनके मुँह में देखने से ये पता चल जाता है कि बहन जो ये अभी अभी हिला के आ रहा है। वे बैंचो 11-12 साल के बच्चों के आंखों के नीचे झुर्रिया नजर आती है, ऐसा लगता है 65 साल का बुढ़ा आ गया हो। और अगर अगर बैंचो किसी तरह बच्चा पास हो जाता है तब तो वाह वाह यार, अमरीश पुरी भी पीछे पड़ जाए। और अगर बच्चा फेल हो जाता है और अगर उसका पाला मेरे जैसे पेरेंट्स से होती है तब तो यार उसके कान खींच के इतना बड़ा बड़ा बना देते कि यार पीके भी शर्मा जाए उसके सामने। यार क्या बताओ, बड़ी दुबरी कहानी है यार, बड़ी दुबरी कहानी है। हाँ तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं और बकबक बकचोदी नहीं कर सकता हूँ, मैंने जितना बकचोदी करना था मैंने कर दिया। अभी अगर और नेक्स्ट मतलब और बकचोदी सुनना हो तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी ही बनाऊँगा इसी टॉपिक पर, इसी दुबरी कहानी को आगे बढ़ाऊँगा। तो कृपया करके मेरे इस चैनल को एक लाइक दे दो और सब्सक्राइब कर दो, भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। तो इसी के साथ मैं लेसनर ताज लेता हूँ विदा, और बस एंजॉय योरसेल्फ, गुड लक।